हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डिफॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसके अंदर अपने को इस बार लोड कैलकुलेट करना है। इसके अंदर डिफॉर्मेशन दिया हुआ है और लोड कैलकुलेट करना है और अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर इसमें दिया हुआ नहीं है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए स्टेप बार ए बी सी डी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, ए बी बी सी एंड सी डी सच दैट ए बी इज 300 mm लॉन्ग। एल वन दे दिया 300 mm एंड डाया 20 mm डायमीटर, डी वन दे दिया 20 mm, बी सी इज 400 mm लॉन्ग, L2 दे दिया 400 mm और D2 दे दिया आपका 30 mm एंड CD इज 200 mm, तो L3 दे दिया आपका 200 mm एंड डाया दे दिया 40 mm, तो मतलब D3 दे दिया 40 mm। इट वाज ऑब्जर्व दैट द स्टेप बार अंडरगोज अ डिफॉर्मेशन ऑफ 0.42 mm, मतलब इसका इस बार इसमें डिफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब डेल्टा L की वैल्यू अपने को दी हुई है। व्हेन इट वाज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव लोड, मतलब कंप्रेसिव लोड है तो अपने को P की वैल्यू निकालनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी इफ ई इज इक्वल टू 200 GPa, यानी 200 kN/mm². तो देखिए, अब सबसे पहले तो अपन फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या, तीन पार्ट दिए हैं, ए बी बी सी एंड सी डी, और तीनों का लेंथ दी हुई, तीनों का डाया दिया हुआ है। तो तीन अपने ए बी बी सी एंड सी डी पार्ट बना दिए। ये इसका 20 mm दिया हुआ है डाया और 300 mm आ गया आपके इसकी लेंथ। ए बी पार्ट है 300 लेंथ हो गई, 20 mm डायमीटर हो गया। बी सी पार्ट की 400 mm लेंथ और 30 mm, तो 400 mm लेंथ हो गई और 30 mm डाया हो गया। और सी डी पार्ट का कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 200 mm लॉन्ग एंड 40 mm डायमीटर, तो ये 200 mm लेंथ एंड 40 mm डायमीटर हो गया। तो ए बी बी सी, अब इसमें कहा है कॉम्प्रेसिव लोड, तो देखिए कॉम्प्रेसिव लोड है तो ये क्या कॉम्प्रेस करेगा, तो डायरेक्शन जो है इसका ये इस टाइप से डायरेक्शन आएगा इसका, और इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। और डिफॉर्मेशन अपने को डेल्टा एल कितना दिया हुआ है, 0.42 mm दिया हुआ है और इसके अंदर ई दिया हुआ है आपको। अब अपन इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो अपने को इसमें क्या निकालना है, लोड निकालना है अपने को, तो लोड क्या हो जाएगा, इसमें लोड हो जाएगा आपके डेल्टा एल ए ई डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब इसको अपन, क्योंकि अलग अलग सेक्शन है इसलिए इसमें क्या होगा, ए और एरिया और लेंथ वेरी करेगा, तब अपन उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें पी हो जाएगा, डेल्टा एल अपने को पता है, ई पता है, ये आ गया डेल्टा एल और ई आ गया, डेल्टा एल पता है अपने को, ई पता है, ए कितना हो गया, ए हो जाएगा आपके इसका पाई बाई 4 डी वन स्क्वायर डिवाइड बाई एल वन प्लस पाई बाई 4 डी टू स्क्वायर डिवाइड बाई एल टू प्लस पाई बाई 4 डी 3 स्क्वायर डिवाइड बाई एल 3, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए पाई बाई 4 भी कॉमन आ गया इसमें, तो उसको एक बार ले लीजिए, तो पी बराबर हो जाएगा आपके ये पाई बाई 4 डेल्टा एल और ये ई, ठीक है। अब इसमें ये रह गया डी वन स्क्वायर अपॉन एल वन, तो डी वन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, डी वन 20 और एल वन कितना दिया हुआ 300, तो यहां आ जाएगा आपके 20 का स्क्वायर और एल वन कितना था 300, तो ये आ जाएगा आपके 300
प्लस डी टू स्क्वायर, डी टू क्या है, डी टू आ गया 30 और ये हो गया 400, तो ये आ जाएगा आपके 30 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 400 प्लस डी थ्री क्या दिया हुआ है, डी थ्री दिया हुआ आपके 40 mm और एल थ्री क्या दिया हुआ 200 mm, ये आ जाएगा आपका 40 का स्क्वायर और 200, एल थ्री 200 mm के। अब इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये लोड आ जाएगा आपके 50 kN। तो इसके अंदर जो आपको लोड है इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।